हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद्राकरण, वेलकम टू फ्लाई एकेडमी। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ लिट लकार के बारे में। लिट लकार मतलब आपका होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में आपका क्या होगा, सिंपली कोई चीज़ जो आपकी फ्यूचर में होगी। तो अगर किसी वाक्य के अंत में गा गी गे आता है, जैसे मैं खाना खाऊंगा, वो गाना गाएगा, तो इस तरीके से गा आखिरी में गा होगा, कोई चीज़ फ्यूचर में होगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे, फ्यूचर टेंस। तो वही आपकी तीन चीज़ों से हम बनाएंगे सेंटेंस। जैसे प्रथम पुरुष में हम क्या करेंगे, जो एक वचन के साथ हम क्या लगाते हैं, इष्यति इष्यति इष्यते और इष्यन्ति इष्यति इष्यते इष्यन्ति इष्यति इष्यते इष्यन्ति। जैसे वो घर जाएगा। तो लड़का है तो क्या हो जाएगा, सहा ग्रह, घर को ग्रहम बोलते हैं, सहा ग्रहम। गच्छ मीन्स जाना होता है और गम भी मीन्स जाना होता है, इसमें गच्छ सही नहीं बैठेगा तो मैं गम लिख रहा हूँ, गमिष्यति सहा ग्रहम गमिष्यति। अगर मैं दो की बात करूं कि वो दोनों घर जाएंगे, तो सहा के साथ का तौ ग्रह गमिष्यता। ये एक वचन के लिए, बहुवचन के लिए। अगर मैं बहुत सारों की बात करूं कि वे सब घर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ते ग्रहम गमिष्यन्ति। मीन सिंपल सी बात है कि एक वचन के साथ हम लोग क्या यूज़ कर, एक वचन में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ती, दूसरे में ता, और यहाँ पर इष्यन्ति इससे जुड़ गया, तो इष्यति इष्यते इष्यन्ति। तो सह ग्रहम गमिष्यति, अगर दो लोगों की बात हो रही है तो तौ ग्रहम गमिष्यतः, और बहुत सारे लोगों को तो ते ग्रहम गमिष्यन्ति। तो आया आपको ये समझ में। अब हम आते हैं मध्यम पुरुष पर। मध्यम पुरुष में क्या होते हैं, तुम, तुभम, युवाम होता है। जैसे तुम घर जाओगे। तो यहाँ पे इष्यति। जैसे तुम घर जाओगे, तुभम ग्रहम गमिष्यसि। तुभम ग्रहम गमिष्यसि। तुम दोनों घर जाओगे तो क्या हो जाएगा, युवाम ग्रहम गमिष्यतः। और तुम सब घर जाओगे तो यूयम ग्रहम गमिष्यत। तो सिंपल सी बात ये है कि आपका एक वचन के साथ इष्यसि, द्विवचन के साथ इष्यतः है, और बहुवचन के साथ इष्यत यूज़ करेंगे जब भी आपका फ्यूचर टेंस होगा, लट लकार होगा। तो तुभम, युवाम और यूयम, ये मध्यम पुरुष कहलाता है। ठीक है, अब हम आते हैं उत्तम पुरुष पे। उत्तम पुरुष मीन्स आपका होता है अयम। अयम मीन्स मैं। जैसे मैं घर जाऊँगा। तो मैं घर जाऊंगा, तो यहाँ पे एक वचन के साथ इष्यामि, दो वचन के साथ इष्याव, और तीन वचन के साथ, बहुवचन के साथ आपका इष्याहम है। तो मैं घर जाऊंगा, जैसे अयम ग्रहम गमिष्यामि। और इसके बाद क्या हो जाएगा, हम दोनों घर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आयाम ग्रहम गमिष्यावः। ठीक है, आयाम ग्रहम गमिष्यावः। और हम सब घर जाएंगे तो हम सब के लिए होता वयम, तो वयम ग्रहम गमिष्यामः है, वयम ग्रहम गमिष्यामः है। तो मतलब सीधी सी बात यह है कि अयम के साथ इष्यामि, वयम आवाम के साथ इष्यावः, और वयम के साथ इष्यामः है यूज़ करेंगे। तो आपको सिंपल ऐसे आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। आप इसके लिए धातु यूज़ करें, धातु जितनी ज़्यादा, जैसे खेलने को क्रीड बोलते हैं, तो वैसे ही आपको जितनी ज़्यादा वर्ब होंगे, जितने याद होंगे, आपको शब्दार्थ याद होंगे, वर्ब से याद होंगे, तब उतनी ज़्यादा सेंटेंस बना सकते हैं। तो
तो इसी के साथ आपका ये लेटर लगा फ्यूचर टेंस खत्म होता है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, और हाँ कमेंट कर दीजिए आपको अगर कुछ और भी इसमें कुछ कमी लगती वीडियो में कि यहाँ पे और कुछ कमी है तो आप इस कमेंट करें, तो आपको उस कमी को भी हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने को बहुत बहुत धन्यवाद।